फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पेपर कटिंग बताऊंगी और साथ में आपको कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की डीप नेक पर। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद ही अस्तर के फैब्रिक पर और फिर मैन फैब्रिक पर। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे पेपर कटिंग के लिए प्रिंसेस कट पर, तो किस तरीके से आपको कटिंग करनी है और फिर इसे किस तरीके से कपड़े पर रखना है वो भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर फोल्ड करके पेपर को लिया था, उसमें उसे मैंने बीच से यहाँ पर कट कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 15 इंच लेंथ का मार्किंग किया है क्योंकि मुझे 14 इंच तैयार रखनी है। तो इसमें एक इंच मैंने प्लस करके लिया है मार्जिन का। और शोल्डर लेने हैं यहाँ पर आपको 5.5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक है। 5.5 इंच शोल्डर ले लीजिएगा आप, और आर्मोज भी 5.5 इंच ले लीजिए। जो बैक नेक है इसका वो 10 इंच पर है। और इस तरीके से आपको नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और चेस्ट का फोर्थ पार्ट के लिए मार्किंग करनी है यहाँ पर। चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें यहाँ पर 9 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लें। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्महोल्स तरफ से 1/2 इंच बाहर की तरफ ले लें, और 1 इंच की आर्महोल्स की गोलाई दे देनी है आपको इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। कमर के लिए मार्किंग करनी है आपको 7.5 इंच पर। 30 कमर है और 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं हम बैक पार्ट में प्लीट्स डालेंगे इसलिए। और इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कट नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से पेपर पर कटिंग करके भी आप कपड़े पर रखकर कट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, सॉरी, मैंने यहाँ से नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रख कर आप कैंची रख लें या कोई भारी चीज़ रख लें, और इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। नीचे की तरफ से 1/2 इंच छोड़कर हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे यहाँ पर, यह हमारा फ्रंट पार्ट है। और आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आपको प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो देखिए, हमने इतना एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है यहाँ से। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आप 3 इंच ही लें। और ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर। इस तरीके से एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लें, और इसे आर्म होल्स की तरफ आपको इस तरीके से हल्के हाथों से मिला देना है। अब यहाँ से विड्थ के लिए लेना है आपको 1.75 2 इंच, और लेंथ में लीजिएगा 2 इंच, और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। 1/2 इंच जो नीचे की तरफ बढ़ाया था उसे इस तरीके से कम कर देना है और कट कर लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसे भी कट करके निकाल लेंगे हम। अब देखिए, हमें यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ में यहाँ पर डोरी नहीं लगा रही हूँ इसलिए 2 इंच ले रही हूँ। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक विड्थ को 2.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। नीचे से भी विड्थ में 2.5 इंच ले लिया है, और एक बॉक्स बना लेना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैंने नेक भी कटिंग कर ली है। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। बैक पार्ट में भी नेक की विड्थ मैंने 2 इंच ही रखी है,
और लेंथ में लिया है 10.5 इंच, क्योंकि 10 इंच हमें तैयार रखना है। नीचे से विड्थ में 3.5 इंच ले लिया है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो विड्थ में नीचे से आप और बढ़ा सकते हैं, डीप कर सकते हैं। और अब इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमें 2 इंच छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है स्लिप्स के लिए। और आर्मोज की गुलाइन अपनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7.5 इंच आ रही है, उसमें 1/2 इंच हमने प्लस कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर 8 इंच ले लेंगे हम आर्मोल्स की गुलाई। स्लिप्स लेंथ ली है मैंने 4.5 इंच, और जो आर्मोल्स हमने नापे थे वो यहाँ पर ले लिए हैं 8 इंच पर। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, 1.5 इंच इस ऊपर की तरफ लेते हुए यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्लिप्स कटिंग के लिए। और हल्के हाथों से यहाँ पर स्लिप्स का शेप दे देना है हमें। और यहाँ से 2 इंच आप बढ़ा लीजिए मार्जिन के लिए। स्लिप्स राउंड के लिए हमें ले लेना है 6.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लें। और तिरछा शेप दे दें एक। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लिप्स का पैटर्न भी ड्रॉ हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी पार्ट्स हमारे कटिंग हो गए हैं। अब आपको कपड़े पे किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसे इस तरीके से रखना है। फोल्ड वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है, और ये नीचे से थोड़ा तिरछे पे जा रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर दिया है। और यहाँ पर अपना बैक पार्ट का पैटर्न इस तरीके से रखा हुआ है। तो देखिए बैक पार्ट में तो हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने चौक से इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया है। नेक को भी कट कर लेंगे हम। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ से हाई हुक की पट्टी के लिए बढ़ाना है, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही बढ़ाना है यहाँ पर आपको। तो मैंने एक पैर का मार्जिन जितना ही यहाँ पर साइड से बढ़ाया हुआ है, और नीचे की तरफ से कुछ भी नहीं बढ़ाना है, ऊपर से भी नहीं बढ़ाना है आपको। एज इट इज़ ये पैटर्न को रखकर मार्किंग कर लेनी है। सिर्फ मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच से थोड़ा कम यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं डोरी इसमें नहीं लगा रही हूँ, तो बिल्कुल मैंने साइड से भी कम ही बढ़ाया है। आप कटिंग करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए इसे मैं फिर से रखूँगी और यहाँ पर नेक के लिए ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से आप पैटर्न बनाकर रख भी सकते हैं, और जब भी आपको अपने साइज़ का ब्लाउज़ बनाना हो या कस्टमर के ब्लाउज़ बनाना हो तो आप ये फरमे को रख कर इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेंथ के लिए कम या ज़्यादा करना होगा, जैसे कि बढ़ाना है किसी के ब्लाउज़ में कम करना है तो उसी का ध्यान रखना होगा। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इस तरीके से रख कर ड्रॉ कर लेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। इसमें भी हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। अब हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो मैंने बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड में करके इस तरीके से रखा है, फोल्ड वाला पार्ट अपनी तरफ रखा है, और स्लीव्स के पैटर्न को इसके ऊपर इस तरीके से रख कर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, अब हम इसे कट कर लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पर स्लिप्स में गहराई दे देंगे। तो 1/2 इंच की गहराई मैंने यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर सभी पार्ट्स हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो बॉर्डर है हमारी उसे कट कर लेंगे स्लीव्स के यहाँ से। इसमें दो बॉर्डर दी हुई है तो एक बॉर्डर में स्लीव्स पर आएगी और एक बॉर्डर हमारी बैक साइड पर आएगी। तो कपड़े को खोल लें, जितनी ज़रूरत है उतना फोल्ड कर लें। और यहाँ पर देखिए बैक पार्ट हमारा इस तरीके से आ गया है और इसे कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पे मैं हमेशा कपड़े को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि स्टिचिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी पार्ट्स कंप्लीट कटिंग कर लिए हैं और ये फरमा है हमारा, तो इसे आप चाहे तो संभाल कर रख भी सकते हैं। 36 साइज का ब्लाउज़ का ही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करते हैं। तो दोनों ही पार्ट्स को आपको आमने सामने रखने हैं और मैन फैब्रिक के साथ इसे बराबर कर लें और यहाँ पर पिन लगा लें आप और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर लेना है आपको। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे आप कट करके निकाल दें। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी आमने सामने रखकर आपको इस तरीके से पिन लगा लेनी है और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो ये आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करना है और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है आपको। देखिए हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो गए। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आपको रेडी कर लेना है और यहाँ पर आपको बैक पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स डाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही तरफ प्लेट्स ले लेनी है। अब देखिए मैंने दोनों पार्ट को यहाँ पर पिन लगाकर रख लिया है और हम यहाँ पर हाफ इंच के आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे। तो प्रिंसेस कट में हमें इसी तरीके से गहराई देनी होती है। अब हम पिन निकाल के यहाँ से इसे सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। और यहाँ पर हाई की पट्टी आपको इस तरीके से लगानी है। तो देखिए हमने हाई की पट्टी यहाँ पर लगा ली है। दूसरी तरफ हम मुख की पट्टी लगा लेंगे।
इसे बराबर कर कर चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। ऊपर हमने हाफ इंच छोड़ते हुए शोल्डर ज्वाइंट किए हैं यहाँ से, और एक सिलाई मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाई हुई है। अब हमें यहाँ पर उड़ेप पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये मैं 1.25 इंच की पट्टियाँ यहाँ पर कट कर रही हूँ नेक में फिनिशिंग देने के लिए, और आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब हम इसे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो आपको पट्टी को हल्का सा खींचते हुए अटैच करना है, ज़्यादा नहीं खींचना है आपको पट्टी को, बिल्कुल हल्का सा आप खींचते हुए लें। और यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेना है आपको पूरे ही नेक पर। अब एक सिलाई देखिए, आपको पट्टी को इस तरह फोल्ड करके और पट्टी के ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर की। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर लेना है, जितना हमें फोल्ड करना है सिर्फ उतना ही कपड़ा रखना है पट्टी का। अब देखिए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई हमारी दूसरी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। देखिए हमने नेक पर पट्टी लगा ली है। देखिए अब हमें कमर पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट में आपको कमर पट्टी लगा कर दिखाई है, आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कमर पट्टी हमने लगा ली है। अब हमें बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है। तो सेंटर मार्किंग हमने यहाँ पर इस तरीके से किया है, और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर पिन लगा लेनी है। उससे ये होगा कि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो साइड में चला जाएगा। उसके बाद हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, और यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है। तो उसे यहाँ पर आर्मोज तरफ से शेप दे देनी है सिलाई को खोलकर। अब जो एक्स्ट्रा जो हमारी सिलाई खुली हुई है वहाँ से हम इसे पैक कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लीव्स रेडी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर ली है। दोनों ही पार्ट्स को आपको बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, और सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे सेंटर से। शोल्डर की तरफ से आपको स्लीव्स ज्वाइंट करना है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और यहाँ से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए आपको सीधी तरफ से सिलाई ले लेनी है। ये गुम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से कर लेना है।
अब फिटिंग लगाने के लिए हमने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और यहाँ से बराबर करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट की मार्किंग करें। 36 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच, 30 का फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच और इस तरीके से मिला देंगे। स्लिप्स राउंड 13 इंच है तो उसका हाफ लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग इसी तरीके से लगा लेनी है। इस तरीके से पट्टी को लेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है, बीच में से कट कर लेना है। ये पट्टी हम कंधे की तरफ लगाएंगे और उसमें हाई हुक कर दीजिएगा। तो अगर आप कस्टमर के ब्लाउज़ बनाते हैं तो ये पट्टी आप ज़रूर लगाएं बिना डोरी के ब्लाउज़ में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।